स्वाध्याय। प्रश्न एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? उत्तर, लड़का अम्मा को झूला लगाने को कहता है। दूसरा, लड़का किसको छूने की बात करता है? बच्चों, आपको तो पता ही है कि जब वो झूला झूल रहा था तब बच्चा यानी लड़का आसमान को छूने की बात करता है। तीसरा, झूला कौन कौन झूल रहे हैं? तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि झूला लड़की लड़के सब मिलकर झूल रहे हैं। प्रश्न दो, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर बारी बारी से आपके सामने एक फोटो आएगा, ठीक है? तो उसको आपको देखना है और अभिनय करना है। सबसे पहले केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना, झाड़ू लगाना। बच्चों, इस फोटो को देखकर आप सभी को भी यह अभिनय करना है। प्रश्न तीन, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूँगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। प्रश्न चार, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक, मैं खेल खेल खाली जगह। अभी यहाँ पे काउंस में जो विकल्प है तो सही विकल्प हमें चुनना है और खाली जगह में लिखना है, तो यहाँ बैठेगा कि मैं खेल खेल रहा हूँ। दूसरा, हम पाठशाला जा रहे हैं। तीसरा, यह हाथी है, खाली जगह सूंड लंबी है, तो यहाँ पे इसकी सूंड लंबी है। आगे, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है, तो जवाब आएगा वह कौवा है, उसका रंग काला है। उसके आगे, ये तितलियाँ है, खाली जगह पंख रंग बिरंगे है, जवाब है इनके पंख रंग बिरंगे है। और आखिर में, वे लड़के हैं, खाली जगह बस्ते लाल रंग के हैं, तो जवाब है उनके बस्ते लाल रंग के हैं। भाषा सज्जता। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी यानी कि विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जिसे हम विरोधी शब्द जानते हैं उसे विलोम के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आज, तो उसका उल्टा क्या हुआ? कल। उसी तरह से हंसना तो रोना, आना तो जाना, सोना जागना। उपर्युक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। प्रश्न पाँच, विरोधी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि चलना, तो उसका विरोधी हुआ रुकना। अब हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वो आप देख लीजिए। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है? और उसे दूसरी बार से देखेंगे यानी रुकना से, तो वाक्य बनता है हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए।
ऊपर तो उसका विरोधी आता है नीचे, तो उसका क्या वाक्य होगा? हमें हमेशा ऊपर जाने की चाहत रखनी चाहिए। दूसरा वाक्य आएगा कि हमें हमेशा नीचे देखकर ही चलना चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे के जो विरुद्धार्थी शब्द है, जैसे कि आसमान, चढ़ना, छोटा, तो इन सारे विरुद्धार्थी शब्दों को आपको वाक्य में बदलना है। योग्यता विस्तार क पता कीजिए और लिखिए, झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। बच्चों, यह आपका होमवर्क हुआ कि आपको पता करना है कि भाई झूला कब झूलते हैं, किस मौसम में झूलते हैं। आप अपने घर के सभ्यों की भी इसमें मदद ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है। अब ख किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। बच्चों, आगे भी हमने बात की कि आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी झूला तो झूला ही होगा, और आपने वो देखा भी होगा। तो आपने किस तरह का झूला देखा है तो आप सोचिए, और किताब में आपको वो ड्राइंग बनानी है, ठीक है। तो आप उसमें रंग भी भर सकते हैं, आप अपने अनुसार उसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका हुआ, और उसको भी आपको अपनी किताब में या फिर नोटबुक में करना है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अलविदा बच्चों।